वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये दशहरे मेले में इतनी सारी भीड़। और आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को परमेश वर्मा से संबंधित अपडेट देने वाला हूं कि आखिर में परमेश वर्मा कब इस मंच पर प्रोग्राम करेंगे, लाइव शो आप लोगों को देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा भीड़, ये जो अभी खाली खाली सारी चीज़ें दिख रही है, इनमें भरने वाली है। तो कब होगा आखिर में परमेश वर्मा का शो, इससे संबंधित आप लोगों के सामने दुविधा आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारी जगह तो 24 अक्टूबर 2024 बता रखा है लाइव शो शाम को 7 बजे, और बहुत सारी जो न्यूज़पेपर है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें 26 अक्टूबर 2024 यहां पर शो कर रखा है। तो आखिर में कब होगा, कब नहीं होगा, इससे लेकर जो ये असमंजस यहाँ पर पैदा किया है उससे रिलेटेड आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर में कब हो सकता है शो परमेश वर्मा लाइव आप लोगों को कोटा दशहरा मेला 2024 कब देखने को मिल सकता है। और सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये विजय श्री रंगमंच है और यहां पर देखो सोफे ओपे वगैरह सारी चीज़ें हैं, और ये स्टेज इसी प्रकार का होगा। लाइटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया होती है रात के टाइम, आप लोगों को अभी व्यू दिखाऊँगा। आज भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम के हिसाब से ही आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूं। तो अभी हाल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये है विजय श्री रंगमंच, जो कि आप लोगों को मैं भरपूर मात्रा में पहले भी बता चुका हूं। और झूले वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है यहां पर, देखो पूरा व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई है, और बैठने के लिए चेयर वेयर वगैरह सारी चीज़ें लगाई रखी है ना, इन्जॉय करने के लिए। और ये देखो, ये है विजय श्री रंगमंच, इसी रंगमंच पर सारे प्रोग्राम होते हुए आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, है ना। 2024 के हेमा मालिनी ने स्टार्ट किया था, 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रा स्टार्ट हुआ, जबी से यह मेला शुभारंभ हो चुका था, और तभी से यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और रावण दहन के दिन तो जो लाइव वीडियो मैंने दिखा रखी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वो भी काफ़ी शानदार था, बहुत सारी चीज़ें हुई है। हेमा मालिनी का डांस है वो भी वीडियो काफ़ी अच्छी चल रही है, आप लोग भी चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना चाहते हो तो बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। और मेले से संबंधित सारी वीडियो, रावण कैसे बना, रावण दहन, सारी चीज़ें मैंने कवर की थी, तो प्लेलिस्ट में 2024 कोटा दशहरा मेला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ में ये पूरे ब्रैकेट्स वगैरह लगा रखे हैं, और या फिर चेयर वगैरह है, स्टेज वगैरह है। और ये देखो, मेले का हाल भी कुछ इसी प्रकार का है, मेले में चारों तरफ आप लोगों को भीड़ ही भीड़ दिखेगी। और ये बालिका काफ़ी शानदार यहाँ पर, ये जो भी अपनी रोजी रोटी के लिए कर रही है, बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, खाने पीने के पर्याप्त मटेरियल है, झूले हैं, डॉलर है, चक्री है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ये झूला तो दिन में शाम के टाइम भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शाम को 4 बजे 5 बजे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग दिन में भी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रात में मज़ा आता है वो अलग ही बात है। मतलब मेला देखने का मज़ा आप लोग और अलग बात ना समझे, है ना, रात में जब ये डॉलर चकली चलती है और साथ में इनमें लाइटिंग होती है तो काफ़ी मज़े आते हैं। और परमेश वर्मा भी इस मेले में आने वाले हैं, तो 24 अक्टूबर को या फिर 26 अक्टूबर को, दोनों में से एक दिन आने वाले हैं। अभी तक आप लोगों के पास कोई भी न्यूज़ नहीं पहुंची होगी, तो 23 अक्टूबर का न्यूज़पेपर देख लेना, तभी आप लोगों को पूरी तरीके से कवर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दुविधा इन्होंने पैदा कर दी है जो भी मेला वेला चला रहे हैं, जो मेला समिति है। तो या तो पहले तो इन्होंने 24 अक्टूबर दे रखा था कि 24 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आएंगे, फिर इन्होंने ड्रोन शॉट हो गए वगैरह वगैरह करके 26 अक्टूबर 2024 को कर दिया है। अब क्या पता कब सच है कब नहीं है, या फिर पता नहीं हवा हवाई चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आप लोग तो पर्याप्त मेले का इन्जॉय लीजिए, 24 को आना हो रहा है तो 24 को आ जाइए, 26 को आना हो रहा है तो 26 को आ जाइएगा, कुछ ना कुछ प्रोग्राम ज़रूर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये देखो, नाव वाव वगैरह चल रही है, डॉलर चक्री खूब आए हुए हैं, इस बार एंटिक एंटिक झूले भी आए हुए हैं भाई, ऐसे झूले भी आए हैं कि शरीर से आत्मा आपके बाहर निकल जाए, इस टाइप के झूले भी हैं, बहुत खतरनाक झूले हैं। और नाव भी आप लोग देख ही सकते हैं, देखो कितनी प्यारी तरीके से चल रही है। अभी दिन का टाइम है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, शाम का टाइम आप लोगों को बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये नाव वाव, लाइटिंग से ऐसा मस्त लगता है ना, पूरा मेला बहुत तगड़ा लगता है। और बहुत बड़े एरिया यहाँ पर कवर किया हुआ है,
और आप लोगों को एक विशेष बात बता दूं, जेब कतरों से आप लोगों को सावधान रहना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो आप लोग अपना सेफ्टी रखें खुद ही। और मिक्की माउस जो है वो भी बहुत सारे आए हुए हैं, सारी दुकानें लगभग चलना स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मस्त लेवल की यहाँ पर हर प्रकार की दुकानें हैं, जूते चप्पल से लेकर फैंसी आइटम से लेकर चूड़ी मार्केट से लेकर सारी चीज़ें हैं, मतलब कि सब चीज़ यहाँ पर आई हुई है, इडली डोसा खमण वगैरह फास्ट फूड वगैरह आप लोग कुछ भी यहाँ पर खाने का एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ के जो ब्लैक टाइप के जो गुलाब जामुन है वो भी काफ़ी शानदार है। ये देखो मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, दिन के टाइम ये लोग रेस्ट वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को इसी प्रकार के नज़ारे देखने को मिले, पर जब आप 5 बजे शाम को या फिर रात को आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मेला संचालित होते हुए दिख जाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्म से संबंधित, सिंधी पंजाबी हिंदू मुस्लिम मुशावरा कवि सम्मेलन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और ये भाई साहब पकौड़े तल रहे हैं तो ये भी देख सकते हैं, इन्जॉय ले सकते हैं आप लोग, है ना। बहुत सारी चीज़ें, ये देखो डोसा वोसा बना रहे हैं, सॉफ्टी के लिए दुकानें लगी हुई है, मिक्की माउस आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा, और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और मेले में जब भी आए तो इन्जॉय आप लोग करें, है ना, आप लोग जोलर चक्री जो भी है। तो इसी प्रकार का कुछ माहौल है 131वां राष्ट्रीय दशहरे मेला कोटा में। तो परमेश वर्मा या तो 24 अक्टूबर को आएंगे शाम को या 26 अक्टूबर शाम को आ जाएंगे, तो आप लोग जब भी आपको सूचना मिल जाएगी न्यूज़पेपर के माध्यम से तो ज़रूर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा और उसी हिसाब से आप लोग इन्जॉय करने आइएगा। तो परमेश वर्मा का जो शो है वो काफ़ी शानदार होने वाला है और काफ़ी बड़ा होगा, बड़ा तो हो गई मतलब ड्रोन शॉट ले रहे हैं तो बहुत बड़ा होने ही वाला है, और हो सकता है कि पब्लिक भी बहुत ही ज़्यादा आने वाली है क्योंकि पंजाबी फेमस सिंगर है परमेश वर्मा और उनके काफ़ी गाने हिट हैं, तो सभी देखना चाहते हैं लाइव, सबको देखने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है और ये है, हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो बाहर से आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं कितनी क्या भीड़ है, कितना क्या माहौल चल रहा है, है ना। तो 131वें दशहरा मेले का जो होर्डिंग लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, पास से निकला तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और देखो सारी चीज़ें हैं, है ना, ये देखो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा ही रहता है, आप लोगों से कह दूं अगर आप लोग देखने आते हैं तो टाइम पर आएँ, टाइम से पहले ही आ जाएँ, रात के चक्कर में ना रहें, है ना, शाम को टाइम ही आ जाएँ, मेले का भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। और सारी एक सर्कस का भी है यहाँ पर, सर्कस भी काफ़ी तगड़ा है, अमरनाथ की गुफा भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, और सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कश्मीर भी है, बहुत सारे एंटीक झूले भी आए हैं, तो आप लोग सभी चीज़ों का एंजॉय कीजिए। अगर आप आ ही रहे हैं तो फिर एंजॉय कीजिएगा, अगर आना ही है तो। और बाहर से देखो कुछ इस प्रकार की दुकानें लगी हुई है, जिन लोगों को अंदर जगह नहीं मिल पाती है वो बाहर भी अपने व्यवस्था जमा सकते हैं, लगा लेते हैं। देखो ये देखो कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े फूल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में तैनात है क्योंकि मेला काफ़ी बड़ा भरता है कोटा दशहरा, और इसकी अलग ही पहचान है, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, बहुत सारे द्वार बना रखे हैं। और ये है सर्कस, दिख रहा है आपको, गोल्डन सर्कस नाम से है, तो इसमें भी काफ़ी मज़े आते हैं। पर्याप्त अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर टाइम निकाल कर आप लोग वहाँ जा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और ये बाहर से देखो नाव वाव डॉलर चक्री कुछ इस प्रकार के लगते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखो डॉलर चक्री और नाव बराबर चल रहे हैं। और नाइट के टाइम अगर आप आएंगे तो बहुत ही लाइटिंग की व्यवस्था होगी, अलग ही लेवल का व्यू आता है, बहुत तगड़ा लगता है। यह है परशुराम द्वार, लक्ष्मण द्वार, बहुत सारे द्वार हैं, तो आप जहाँ से जिधर से भी घुसें घुस सकते हैं, गेट में एंट्री ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, है ना। बहुत सारी जगह पार्किंग की व्यवस्था है, तो मोटरसाइकिल वाइसकिल वहीं पर पार्क करें जहाँ पर व्यवस्था है, अनावश्यक चाहे जाएँ ना लगाएँ। तो परमेश वर्मा 24 या 26 अक्टूबर को आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।